हे गाइस, वेलकम माय रेसलिंग चैनल। तो गाइस, बहुत ज़्यादा अपडेट्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई से, रोमन रेंज से, इवन सीएम पंक से एंड रैंडी ऑरन से। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट अपडेट है गाइस हमारी सर्वाइवर सीरीज से। तो इस बार रेसलिंग शोज का कहना ये है कि सर्वाइवर सीरीज में डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है वॉर गेम। एक तरफ 5v1 5 स्टार होंगे लाइक रॉ एंड स्मैकडाउन ब्रांड, ये ऐसे होगा। तो गाइस, इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पेकुलेट कर रही है या कुछ भी स्पेकुलेट हो रहा है कि इसमें रैंडी ऑर्टन आएंगे एंड अपना डेब्यू कर लेंगे। तो एक तरफ से स्पेकुलेट हो रहा है सीएम पंक आएंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ अपडेट। इसमें पहले तो रैंडी ऑर्टन का है, तो एक स्पॉट खाली होगा जिसमें रैंडी ऑर्टन आगे भरेंगे। तो गाइस देखो, वो तो देखने पे ही पता चलेगा कि रैंडी ऑर्टन आते हैं या रॉयल रंबल तक जाते हैं, तो कुछ पता नहीं है ऐसा। तो देखो गाइस, रेसलिंग सोर्स का कहना यही है कि रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज में अपना रिटर्न कर लेंगे। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई गाइस, वो जुड़ी है रोमन रेंज से। तो गाइस, आपको पता होगा रोमन रेंज का मैच है क्राउन जूल में एले नाइट के साथ। तो गाइस, ये मैच प्रोबेबली इसमें कोई ना कोई मेंबर डेब्यू कर सकता है ब्लड लाइन का। इवन गाइस, जो रॉक की बेटी है वो भी डेब्यू कर सकती हैं। अब देखो गाइस क्या होता है, रॉक की बेटी क्या पता डेब्यू कर ले। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, कोई वो नहीं है, प्रेडिक्शन नहीं है कि वो डेब्यू कर ही ले नहीं, सिर्फ स्पेकुलेशन है कि वो एंटर कर सकती हैं, डेब्यू कर सकती हैं अपना क्राउन जूल में। क्योंकि यार आपको पता है वो अब एनएक्सटी में है नहीं, तो क्या पता डब्ल्यू में डेब्यू कराने के लिए इससे बेटर कोई चांस ना हो। तो ऐसे हो सकता है, ये मानना है रेसलिंग सोर्स का। तो गाइस, हमारी नेक्स्ट अपडेट वो जुड़ी हुई है डिलन डेनिस। तो आपको पता होगा डिलन डेनिस का मैच हुआ था लोगन पॉल से, तो बहुत बुरी तरह हरा दिया यार लोगन पॉल ने। तो गाइस, बहुत से सोर्स का मानना ये है कि डिलन डेनिस अब डब्ल्यूई में आ सकते हैं, और डब्ल्यूई में लोगन वर्सेस डिलन डेनिस का मैच हो सकता है। और इसका रीज़न सिंपल है कि उनको उनकी प्रमोशन वालों ने भी निकाल दिया है, तो वो यूएफसी के प्लेयर हैं। तो गाइस देखो क्या होता है, और क्या पता वो आ जाए। डिलन डेनिस भी आ सकते हैं यार, कुछ भी हो सकता है डब्ल्यूई में, तो आ सकते हैं, बाकी देखो आगे। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है गाइस, वो जुड़ी है सीएम पंक से। तो सीएम पंक ने रेसलिंग सोर्स को टैग करते हुए ये बोला कि मैं क्या आ रहा हूँ सर्वाइवर सीरीज में, लेकिन मैं क्यों आऊँगा, मैं तो अपने घर पर बैठ के देखूँगा। एंड उन्होंने ये एक ट्वीट किया, बहुत मस्त ट्वीट किया, एंड इस पर छिल दी। एंड भाई साहब, इस पर अब तो उस र्यूमर और स्ट्रॉन्ग होगी कि सीएम पंक आने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, दैट्स अ बिग र्यूमर्स। एंड गाइस, उन्होंने कहा कि मैं टेबल पर बैठ के आसानी से देखूंगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउड सोल्ड है। क्योंकि यार आप खुद सोचो ना, सर्वाइवर सीरीज पूरा सोल्ड आउट हो चुका है, फुल्ली सोल्ड आउट है। एंड गाइस, अगर वहाँ पर सीएम पंक आते हैं तो गाइस क्या रिएक्शन होगा, रैंडी ऑर्टन से भी 10 गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा अगर सीएम पंक आ जाते हैं। तो गाइस देखो, बाकी यार कन्फर्म तो लग रहा है 99%, तो देखो क्या होता है। तो गाइस, हमारी नेक्स्ट अपडेट है जॉनी गार्गानो और टोमासो चैम्पा की DIY टीम से। तो गाइस, आपको पता ही होगा DIY को मतलब टैग टीम ऐसे पुश कर रहे हैं, बट गाइस अभी उनके लिए इतने बड़े कोई प्लान्स नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर बहुत बड़े प्लान्स हैं DIY के लिए कि उनको बेस्ट टैग टीम की तरह ही बिल्ट किया जाएगा। तो ये सब DIY से अपडेट थी। एंड नेक्स्ट अपडेट है सोलो सिकोवा से। तो गाइस, पॉसिबली सोलो सिकोवा को इन फ्यूचर सिंगल रन मिलेगा एंड सिंगल रेंज आएंगे इन फेस और इन हील। मुझे तो लगता है यार इन हील ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि फेस में यह करेक्टर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम जैसे करेक्टर है ना, मतलब बिल्कुल यार हार्ड लेंथ वाला करेक्टर चल रहा है उनका, तो ऐसे ही करेक्टर लेके जाना चाहिए भाई। सोचो हील रोमन रेंज पर टर्न हो जाए, कैसा लगेगा रोमन रेंज को, बिगेस्ट शॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे सोलो का भी यार सिंगल रन होगा जैसे JR जिमी को चल रहा है, क्योंकि यार सोलो को सिंगल रन देना पड़ेगा इन्हें फ्यूचर में, क्योंकि उन्हें एक टॉप स्टार का अगर बिल्ड करना है। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस, ब्रॉक लेसनर प्रोबेबली गाइस जो हैं वो क्राउन जूल में नहीं आ रहे। तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार पावर हो चुकी है। मींस डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑलरेडी यार हाइप डे फुल्ली सोल्ड आउट हो चुका है क्राउड, तो वो क्यों ही जाएंगी वो ब्रॉक लेसनर को लेके आए, तो वो वेस्ट नहीं करना चाहते। एंड कोई उन्हें इतनी ज़रूरत भी नहीं है ब्रॉक लेसनर की इस वक्त, क्या पता रॉयल रंबल में आए एंड रसलमेनिया में कि कोई मैचेस के प्लान हो, तो रॉयल रंबल या रसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट बड़े जुड़ी हुई है गाइस रिया रिपली से। तो कल मैंने कवर नहीं की, तो रिया रिपली ने अपने लाइफ पार्टनर जो है उनके बडी मैथ्यूस उनके साथ एक पिक शेयर की, तो बहुत से लोग बोलने लग पड़े कमेंट करके, क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन चल रही है डॉम के साथ, तो बहुत से लोग यार स्टोरी लाइन रियल भी मान लेते हैं। दिस इज़ अ जस्ट करेक्टर वो प्ले कर रही हैं, टॉप स्टार है अपने रोस्टर की, तो वो करेक्टर प्ले कर रही हैं। एंड गाइस, उनका करेक्टर जो इस लेवल पे है ना मामी वाला, वो मैं नहीं सोचता कि कोई और हो सकता है। एंड भाई साहब क्या बिल्टेशन की है डॉम एंड मामी, इज़ अ बेस्ट। तो गाइस ये सब अपडेट्स थी, अगर आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।